संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज बिलाचा प्रश्न आपण नेहमीच बघतो, मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आदिवासी नक्षलग्रस्त अशी ओळख असलेल्या सालेकसा तालुक्यातील खोळगळ या गावात शेतकऱ्यांना मीटर रिडिंगनुसार वीज बिल न पाठवता भरमसाठ वीज बिल पाठवल्याने एवढा मोठा वीज बिल भरावा कसा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे। दरम्यान आधीच पिकातून हाती काही न लागल्याने वीज बिलासाठी जीव द्यायचा काय असा सवाल शेतकरी विचारत आहे। आज एमएससीबी वर आदिवासी बहुल्य नक्षलप्रभावी भागामध्ये खोलगट सारख्या गावामध्ये जिथे जाण्यायेण्याचं साधन नाही अशा ठिकाणी एमएससीबीचं उन्हाळ्यामध्ये जो बिल येतो, लोक विद्युत बिल, गुलाल किंवा बाकी साधनं लावतात किंवा शेतीमध्ये आपलं मोटर लावतात, तोच बिल पावसाळ्यातसुद्धा दिलं जातं आणि बिल घेण्यासाठी दडपणशाहीचा वापर ह्या एमएससीबीच्या माध्यमातून केला जातं। आताच आमच्या एका बहिणीनं स्टेटमेंट दिलेलं आहे की बिल भरा, अन्यथा त्यांना कुठल्या स्तरावर जाऊन आम्ही बिल घेऊ शकतो, अशा प्रकारची दडपणशाही ह्या एमएससीबी विभागाची आहे। आणि एमएससीबीचं आमच्या फक्त शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांनाच फक्त बिल घेण्याचं काम करतात। मोठे व्यापारी चाहे मुंबईचे एमएससीबीचं काम असेल, एखादं स्टेडियमचं काम असेल, एखादं मोठ्या कारखान्याचं काम असेल, त्यांच्याकडून बिल घेण्याचं माफ करण्यात येते। मोठ्या मोठ्या लोकांचं विद्युत बिल माफ करण्यात येतं, मोठ्या मोठ्या लोकांचं कर्ज माफ केलं जातं, पण आमच्या शेतकऱ्यांचं साधा असा बिल शेतीसाठी जो वापरला जातो, ज्याची 2 एकर शेती आहे त्याला 40,000 रुपये बिल येत असेल, तो धाना फक्त एकरी 10 ते 12,000 कमावतो, तो वसा तो 24-25 कमावतो आणि अगर 40,000 बिल देत असेल, त्यांना खायचं काय, जेवायचं काय, कपडे घालायचे काय, मेडिसिन करायचं काय, मुलाला शिक्षण द्यायचं काय, या सर्व गोष्टीकडे प्रशासनानं लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे। जर प्रशासन लक्ष घालत नसेल तर जनतेच्या हक्कासाठी आम्ही इथं मोठं आंदोलन करू, आणि आंदोलन तर नव्हे तर आम्ही आपल्या कुटुंबासारखं जसं मुलांना मुलं समजतो त्याचप्रमाणे गाईला आपली आई समजतो, त्यांना जनावरांना आपल्या मुलं समजतो, बकऱ्यांना आपल्या मुलं समजून त्याचा उदरनिर्वाह करून त्यांच्या माध्यमातून आम्ही पोट भरतो। त्या सर्व जनावरांसहित आम्ही सालेकसा आमगाव देवरी तालुक्यातील या डिव्हिजनमध्ये येत असलेल्या प्रत्येक गावातील शेतकरी याच्यासाठी आंदोलनामध्ये सहभाग होईल। जर आपण 15 दिवसामध्ये निकाल दिला नाही तर याचे दुष्परिणाम शासनाला भोगावे लागतील, याची सर्वस्व जबाबदारी शासन प्रशासनाची असेल असं मी माननीय शासन आणि प्रशासनाला विनंती। मार्च के महीने में शासन के धोरण के अनुसार लोगों ने यहाँ कम से कम 22 किसान आए हैं, 22 किसान हैं, इन लोगों ने शासन के धोरण के हिसाब से जो बिल भरा, फिर भी उस बिल को अभी जोड़ करके दिया और इनके मीटर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कई मीटर खराब है, इन लोगों ने एप्लीकेशन तक के किए और नए मीटर की भी डिमांड की है, लेकिन अभी तक सालेकसा इलेक्ट्रिक विभाग वाले ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। और उनका कहना ऐसा है कि भी तुमको किसी भी कीमत पर बिल आया है वो बिल भरना पड़ेगा तुम्हारे, या तो फिर कनेक्शन काट दिया जाएगा। जब किसान उसको रोकने की बात करता है तो पुलिस का सहारा लेकर उन लोग किसान को परेशान करते हैं। अभी सर हम ये करने वाले हैं कि भाई अभी तो बिल तो भरने की किसान की कैपेसिटी है ही नहीं, तो सीधे से अपन अब ये करने वाले हैं कि अगर अभी जो हमने अल्टीमेटम दिए यहाँ पर निवेदन दिया है, इसको अगर 8 दिन के अंदर या 15 दिन में अगर नहीं करते कुछ, अगर इसकी व्यवस्था नहीं करते तो हम अपने जो जानवर है, जो हम अपने मतलब पाल रहे हैं और जो अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनको लेकर इस ऑफिस के सामने धरना आंदोलन करेंगे, रोड जाम कर देंगे, जो भी अपने को ये करना है सरकार की इसमें करेंगे और इसका आंदोलन विरोध करेंगे। स्पॉट म्हणजे विद्युत जोडणीची जी आहे स्थळ पाहणी करून वास्तविकता काय आहे नाही का, त्याप्रमाणे ते बिल दुरुस्त करण्यात त्याची सहनिशा करून संबंधित जे आहेत त्या क्षेत्रातील अधिकारी त्याप्रमाणे ते बिल रिवाईज करण्यात येईल। त्या संबंधित जे अधिकारी जे आहेत त्याच्या ते वास्तविकता त्याच्यात वापर किती आहे त्या वीज वाहिनीवर, तसं ते एक ॲव्हरेज बेसवरती आम्ही बिल ज्यादा आहे भरने के बाद में भी ज्यादा आहे बिल, याने 30,000 भरे थे, 30,000 भरने के बाद में भी और 30,000 आए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम बिल कहाँ से भरे इतने, हम पैसे नहीं है तो कहाँ से भरेंगे, तो बोले कैसे भी करो बोले, तो मैं बोली क्या करेंगे सर बोली, तो फिर उन लोग हंसते थे वहाँ, तो मैं बोली रोते रोते उसके पैर पड़ते पड़ते सर के ऐसे गिड़गिड़ाते हुए, फिर मेरे को रोना आ गया, उनको पूरा समस्या बताया मेरा सर, मैं बोली मेरा आदमी नहीं है, मैं छोटा सा बच्चा लेके आई हूँ, बस से आई हूँ, तो उनने बोले कि नहीं तुम कुछ भी करो पैसे भरो, सर बोली मैं क्या एसी अपन करके पैसा भरूँ क्या, बोली तुम कुछ भी बोलो बोले, तुम कुछ भी करो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बोले,
तो सर मैं कहाँ से पैसा भरूँ, फिर कैसे भी करके मैंने वहाँ पर पैसे दूसरे दिन फिर लाइनमैन भेजे हमारे यहाँ, लाइनमैन भेजे तो मैं सर लाइनमैन को दिखाई, भैया बोली देखो ऐसी ऐसी बात है, बोली यहाँ मीटर नहीं है कुछ नहीं है, अंताजन भेजते हैं ऐसे करके बोली, तो फिर उन्हें बोले तुम कैसे भी करके भर दो, मीटर हाई ही नहीं है, तीन गिरीब के ऊपर चालू है तो अंदाजी अंदाजी बिल भेजते आपको, अंदाजी बिल है और फाल्ट, मैंने फाल्ट बिल के लिए भी हमारे गांव के ऑफिस पास में ऑफिस है वहां भी गई मैंने एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन का भी कोई सुनाई नहीं है, साले कसा जाओ, साले कसा से मुहा टोला जाओ, मुहा टोला से साले कसा, मैं किसके साथ जाऊँ सर, मेरे कोई आने जाने वाले तो है ही नहीं, बच्चे को लेके 10 बार जाऊँ, बच्चे को लेके साइकिल से 10 बार आऊँ, 30,000 भरने के बाद में भी अब मैं बिल भरूंगी नहीं, अभी कितना है आपको बिल, 30,000 भर के भी मेरे को 30,000 बिल अभी आया है, अब मैं बिल भरूंगी नहीं, अब मैं ज्यादा चक्कर से मेरे को ये लगाएंगे सर आके वहाँ से ऑफिस से, तो मैं बच्चे अपने लेके फांसी लग जाऊंगी और बच्चों को भी फांसी लगा दूंगी, और नहीं तो ऑफिस में आके जान बच्चा सहित ऑफिस में आके मैं बैठ जाऊंगी, सर बोलूंगी आप पालो या कुछ भी करो, लेकिन मैं बिल भरने वाली मुहारे भाई हूँ नहीं।